हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने अपना वीडियो लेके आई हूँ। मैं यहाँ से अपने बेटी के बेडरूम से स्टार्ट कर रही हूँ। आप सब लोग कैसे हैं बताइएगा कमेंट्स करके। और प्लीज़, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरा वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वो जो ऊपर आप देख रहे हैं वो मेरी बेटी है। वो मेरी बेटी की 3 साल पहले की पिक है, जो उसके फ्रेंड ने बर्थडे पे गिफ्ट किया था उसको। ये फ़ोटो बना के दी थी। ये मेरी बेटी का बेडरूम है। वो कंबल ऐसे ही खोल के रखती है। ये हमारा लेट बाथ है यहाँ पे, ये बेडरूम है। और ये हमारा ड्रेसिंग टेबल, और ये हमारी अलमारी। इस बेडरूम का मैंने आपको पहले लुक नहीं दिखाया, क्योंकि जितनी बार भी मैंने वीडियो बनाया वो मेरी बेटी उस समय सो रही थी, तो मैं इस रूम का मैंने आपको टूर नहीं कराया। अभी वो शादी में गई है अपने पापा के साथ और मैं घर में अकेली हूँ। मेरा बेटा भी बाहर कहीं गया हुआ है। मैं थैंक यू बोलती हूँ आप सभी को कि 40 सब्सक्राइबर हो गए मेरे। और यहाँ पे मैं लेटी हुई थी कंबल में, और आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। ये हमारा हॉल का लुक है। गर्मियों में ये चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ मेरे को तो एसी में बहुत घुटन सी होती है, तो यहाँ हम कूलर लगाते हैं और यहीं पे मैं नीचे बेड बिछा के और यहीं सो जाती हूँ। मैं आपको अपना किचन भी बताती हूँ। लाइट जलाती हूँ। ये मेरा फ्रिज है, जिसे मैंने ऐसे डेकोरेट किया हुआ है। बहुत पुराना फ्रिज है। मुझे डबल डोर फ्रिज लेने का और फ्रंट डोर वाली वॉशिंग मशीन लेने का बहुत मन है, लेकिन बजट ही नहीं बैठ पाता है। हमेशा कुछ ना कुछ खर्चा हो जाता है। और अभी तो 3 दिन से मैं अपने हाथों से ही कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। 12-13 साल हो गए उसको, पता नहीं कैसे मैं चावल बना रही हूँ। ये मेरा किचन है, ये मेरा किचन है, ये मेरा रेंट का ही हाउस है। और अभी मार्च में, फरवरी में, सॉरी फरवरी में हमें 1 साल हो जाएगा इस 8 तारीख को। लाइट बंद कर देती हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरे घर का लुक है। यहाँ से आपको बाहर का दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से उधर छत है। और इस तरह से मैं अपने घर को रखती हूँ। ये मैंने लॉकडाउन में मंगाया था। मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, और ज़िंदगी भी हमारी कलरफुल ही होनी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमें घर का मेकओवर करने के साथ साथ आत्मा का भी मेकओवर करना चाहिए। तो हम प्रतिदिन, जैसे रोज़ धूल मिट्टी आ जाती है घर के अंदर, डस्टिंग करनी पड़ती है हमको, तो उसी तरह से रोज़ हमारी आत्मा की भी हमें क्लीनिंग करनी चाहिए रोज़, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये जब सब चीज़ें तो इस दुनिया में यही रह जाएंगी। हमें नहीं पता कि हम कब इस दुनिया से चले जाएंगे। आप सोचते होंगे कि हर वीडियो में यही बोलती है, क्योंकि फ्रेंड्स यही ज़िंदगी की एक सच्चाई है, जिसे हम नकार नहीं सकते। और इन दिनों तो हमारे रिश्तेदारों में भी काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है, और वो अचानक ही चले गए इस दुनिया से। तो हालांकि ये सब पहले भी होता था, पर अभी इन दिनों तो पता नहीं क्यों मुझे इस सच्चाई से एक डर भी है, एक खुशी भी है। क्या बोल सकते हैं उसको, मैं शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, फिर भी हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मेरे काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि आपने अपनी चिड़िया को तो बताया, चीकू जिसका नाम है, पर आपने ना अपने कछुए को नहीं बताया। वो मेरी बेटी के पास यहाँ बेड में सोता है। ये कंबल हटा के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा सा छोटा सा, छोटी सी जान है रे इसकी, कितना प्यारा लग रहा है, सो रहा है रे।
ये जितना शांत है ना उतना ही हमारी चिड़िया बहुत क्या बोल सकते हैं उसको बहुत ही खतरनाक है वो। तो उसके पास भी जाओ ना तो इतना चिल्लाती है, इतना बोलती है, मतलब उसके उसको खाना पानी भी मैं देती हूँ तो इतना गुस्सा करती है, काटती है इतना। और एक चिड़िया और थी, उसको तो उसने मार मार के उड़ा ही दिया, अब वो अकेला ही रहना पसंद करती है। फ्रेंड्स, आप सब लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं और शायद उस पर अमल भी करते होंगे, तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और एक्चुअली मैं मुझे तो है ना अकेला रहना ही बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, परिवार के साथ भी अच्छा लगता है, पर जब मैं अकेली रहती हूँ तो मैं परमेश्वर से बातें करती हूँ और मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से फील करती हूँ। और यही एक टाइम होता है जब मैं अकेली रहती हूँ, तो यही एक टाइम होता है कि मैं प्रभु से बातें करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि प्रभु ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं आपको अपनी पिक बताती हूँ जो बहुत पुरानी है, उस समय मेरी बेटी 6 महीने की थी, तब की ये पिक है, मेरे हस्बैंड है ये, और ये मेरा बेटा है, जब वो 3 साल का था तब मेरी बेटी भी नहीं हुई थी, और अभी तो वो 24 साल का है और मेरी बेटी 20 साल की हो गई है अभी 16 तारीख को। ये मेरी बेटी की फ़ोटो है जब वो 17 साल की थी तब की। और इस तरह से मैंने अपने घर को सजाया हुआ है। और मैंने बताया ना कि मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद है, मैं पर्दे भी एक जैसे नहीं लगाती हूँ, अलग अलग लगाती हूँ। आप सोचोगे सब पर्दे अलग अलग हैं, हाँ मुझे बहुत कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती है। इस तरह से मैं डेकोरेट करती हूँ अपने जीवन को भी, हमें डेकोरेट करते रहना चाहिए हर पल, और हमारे जीवन को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ताकि जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हों तो हम उससे आँख से आँख मिला के बात कर सकें कि हाँ प्रभु, हमने अपने जीवन में एक सादा और सिंपल जीवन जिया है। ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशें तो होती है, वो कुछ तो पूरी हो जाती है, कुछ पूरी नहीं होती है, तो इससे आपको निराश नहीं होना है। जो कुछ भी हमारे पास है उसी में हमें संतुष्ट रहना है और खुश रहना है, क्योंकि हमारी कोई काबिलियत, कोई योग्यता नहीं है कि हम इस ज़िंदगी में कुछ हासिल करें या कर सकें। ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है जो हमें, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ें भी नसीब नहीं होती हैं। देखो सड़कों पे कितने लोग पड़े रहते हैं, उनके ऊपर छत भी नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये सब कुछ दिया है। जो कुछ भी है आपके पास में, आपका सबसे बड़ी वरदान तो हमारा ये है कि आशीष ये है कि हम स्वस्थ हैं और अपने परिवार के अंदर हैं, खुश हैं, शांति है हमारे जीवन के अंदर। प्रॉब्लम्स तो हमेशा आती हैं, चली जाती हैं, और आती रहेंगी और फिर चली भी जाएंगी, तो उससे हमें दुखी नहीं होना। जो कुछ भी है हमारे पास में उससे हमें संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, बस यही मैं तो आपको कहना चाहती हूँ। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने लाइफ में कैसे जीते हैं, किस तरह से आपका जीवन प्रतिदिन रोज का दिन निकलता है। बहुत सारे वीडियो देखती हूँ मैं यूट्यूब से, 4 साल से यूट्यूब देख रही हूँ मैं, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखती हूँ, सब खाना बनाने की रेसिपी, घर का काम करने के ये सब तरीके, बहुत अच्छी बात है। हम हाउसवाइफ हैं तो हमें घर का काम तो करना ही है, और घर को बहुत अच्छे से रखती है, मेंटेन रखती हैं, अपने आप को भी रखती हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदती हैं। बहुत सारी यूट्यूबर्स की तो पहली सब्सक्राइबर मैं ही थी और वो आज इतनी ऊंचाइयों पे हैं, तो और फिर उन्हीं पैसों से वो घर के लिए कुछ कुछ खरीदती हैं, बहुत खुशी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। प्रभु सबको आशीष दे और भी बढ़ाए उनको, बहुत आशीष दे, मेरी तो यही प्रार्थना है। और जितने भी आप देख रहे हैं उन सभी के लिए भी मेरी यही प्रार्थना है कि आपको हमेशा परमेश्वर खुश रखे और आपके जीवन में हमेशा शांति बनी रहे। मैं एक बार फिर से अपने कछुए को दिखाऊं आपको, बहुत प्यारा सा है, सो रहा है अभी। वो सर्दियों में कछुए खाना नहीं खाते और हर समय सोते ही रहते हैं, अब ये गर्मी में खाना खाएगा, देखो।
कितना प्यारा सा है, कितना प्यारा सा है, छोटा सा मुंह है इसका। मेरी बेटी के पास ऐसे ही घुस के सोता है गर्मास में, है ना, कितना प्यारा शांत सा। छोटी सी जिंदगी है इसकी, छोटी सी जान है इसकी। दो कछुए थे लेकिन एक तो 1 महीने के अंदर ही मर गया बेचारा। वो बीमार था वैसे भी। ठीक है गाइज, मैं अब अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं, फिर से यही प्रार्थना है परमेश्वर से, आप लोग खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, और जो कुछ भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें। यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू, बाय।